techniblogic.com। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास है एक लेटेस्ट अलार्म क्लॉक Xiaomi की तरफ से, जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है और मैंने इंपोर्ट की है gearbest.com से। लिंक्स मैं नीचे दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ज़्यादा महंगी नहीं है, कस्टम वस्टम मेरी कोई लगी नहीं है। वन मोर का डिज़ाइन है, जैसे कि आप बॉक्स पे रखे हैं एंड बैक साइड में सब कुछ चाइनीज में दे रखा है और फ्रंट साइड में सिर्फ एक अलार्म क्लॉक की फ़ोटो बना रखी है। इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसके अंदर डायरेक्टली मिलता है मैम अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक को बाहर निकालते हैं बॉक्स से और इसकी क्वालिटी फर्स्ट लुक के अंदर बहुत अच्छी है। फ्रंट में इन लोगों ने फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, टॉप साइड में सब चाइनीज़ में दे रखा है कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ऊपर सर्कुलर बटन का और अलग अलग चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। उसके बाद बॉक्स को फर्दर ओपन करते हैं तो इसके अंदर में ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी केबल मिल जाती है जो 1.2 मीटर लंबी है और जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। फ्लैट हेड केबल है जिसके अंदर जो केबल की क्वालिटी होती है पूरी रबर फिनिश की होती है और जिसकी वजह से ईजीली ख़राब नहीं होती है। इस सब को साइड रखने के बाद हमें अंदर एक यूज़र मैनुअल मिलता है जो कि चाइनीज़ में है, जिसका आपका कोई यूज़ है नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ क्या क्या इसके अंदर फंक्शन है और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सब कुछ चाइनीज़ में तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। इस सब को साइड रखने के बाद डायरेक्टली हमें क्या करना है, इस क्लॉक को ऑन करना है। क्लॉक को ऑन करने के लिए आपको इसके ऊपर जो सर्कुलर बटन है उसको ऑन करना होता है, लेकिन उससे पहले इसकी बिल्ड देख लेते हैं। बिल्ड के अंदर फ्रंट में फैब्रिक है, राइट साइड में इन लोगों ने स्पीकर बैंड दिया हुआ है, बैक साइड पर मी का लोगो है, एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दे रखा है ये जिससे चार्ज हो जाती है। अराउंड 2 घंटे लेती है चार्ज होने में और पावर बैंक वगैरह कोई सपोर्ट नहीं है। चारों तरफ ऑल ओवर इन लोगों ने स्पीकर दे रखा है और पीछे एक एलईडी लाइट भी है जिससे नोटिफाई करता है कि चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। नीचे की तरफ आते हैं तो एक पैडिंग दे रखा है, रबर पैडिंग, ताकि आप इसे टेबल पर ईजिली स्टैंड कर सकें, गिरे नहीं और स्लिप ना हो, क्योंकि जब इसे यूज़ करते हैं इसमें बेस वगैरह भी ठीक है तो जब आप इसको रखते हैं तो गिरे नहीं स्लिप ना हो, इस वजह से इन लोगों ने नीचे रबर पैडिंग दे रखी है, क्योंकि पूरी सर्कुलर वॉच है। फ्रंट में इन्होंने फैब्रिक दिया हुआ जो किसी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसको ऑन करने के लिए ऊपर से बटन दबाए रखें और ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। ऑन जैसे हो गया है तो इसके अंदर इस समय जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं 5 शाम के, जिस वजह से इसमें ऊपर मून बना आ रहा है, साथ में 5 का साइन आ रहा है और इसके अंदर जो टाइम हो रहा है इस समय हो रहा है 5:40, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में इसके अंदर एक डॉट जल रही है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में, पर आप इजीली समझ जाएंगे 10-5 मिनट यूज़ करने के बाद कि किस तरह से क्लॉक सेट होती है। इसको ऑन करने के बाद आपका इसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ब्लूटूथ का ऑप्शन जैसे आप देख रहे हैं ब्लिंक हो रहा है बार बार, ये ऑन हो गया है तो मैं तो ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। तो आपको मी होम ऐप डालनी है, उसमें अपना यूज़र आईडी वगैरह बना के लॉगिन करना है, उसके बाद आई एड डिवाइस करेंगे, वहाँ पे ये आपका सर्च होने लगेगा और वहाँ पे आप अलार्म क्लॉक को पेयर कर लीजिए। पेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे मैंने इसमें पेयर करके दिखा दिया है। इसके अंदर टाइम मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, अलार्म भी मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है। इसके अंदर पीएम और एएम वाला फंक्शन जो मैंने बताया, उसके अंदर जो चांद दिख रहा था वो पीएम का नोटिफिकेशन और चांद हट जाएगा तो वो एएम का मतलब है उसके अंदर। सिंक का आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, सॉन्ग चला सकते हैं इसके अंदर इजीली। जो साउंड क्वालिटी है वो अबव एवरेज कहूँगा मैं, ना बहुत बेहतर है ना बहुत ज़्यादा कम है, बेस अच्छी है, प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है, क्योंकि ये एक ब्लूटूथ स्पीकर नहीं, एक तरीके से अलार्म क्लॉक है, डिजिटल अलार्म क्लॉक है जो स्मार्ट अलार्म क्लॉक है, पर आप इसको एज अ म्यूजिक स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं। गाने चला रहे हैं तो गाने चलाने के बाद इसको सेट कर सकते हैं कि 10-15 मिनट बाद आपको नींद आ जाए, जैसे सब लोग कुछ लोगों को आदत होती है कि आप गाने सुन रहे हैं और गाने सुन सुनते अपने आप स्पीकर बंद हो जाता है और आप सो जाएंगे, तो उसमें वो फीचर भी है। रिंगटोन वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, कस्टम लगा सकते हैं अपनी अलार्म क्लॉक वगैरह, सब कुछ कस्टमाइज सेव कर सकते हैं। स्नूज भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं और स्नूज भी काम करेगा, जैसे आपने एक बार दबाया तब फिर 5-7 मिनट बाद वो बजना शुरू हो जाएगा, फिर दबाएंगे फिर 5-7 मिनट बजना शुरू हो जाएगा, वो आपके ऊपर आप स्नूज सेट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। सारे फीचर्स इन लोगों ने दे रखे हैं और जब आप इसकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो जैसे मैंने वीडियो चलाई इसकी, मैंने वॉल्यूम बढ़ाई या कम करी तो फ़ोन में भी कम हो रही है और उसमें भी कम हो रही है, और वहाँ पर नंबर दिखा रहा है कि इसके अंदर 12 लेवल्स हैं वॉइस कम करने और बढ़ाने के, तो आप वो समझ सकते हैं कितनी एडवांस अलार्म क्लॉक वन मोर ने डिज़ाइन की है Xiaomi के लिए, जो एक सब ब्रांड है Xiaomi का। तो ओवरऑल मेरे को वॉच कहूँ या अलार्म क्लॉक कहूँ, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी लगी, स्मार्ट जो है वो तो है ही है, और ओवरऑल
बहुत अच्छी स्मार्ट वॉच, काफी इनोवेटिव स्मार्ट वॉच है, और अपनी साइड टेबल पे आप रखेंगे बैठ के अलोंग, तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। हर कोई पूछेगा कि आपने कहाँ से ली और किस तरीके से काम करती है, और रात को स्पीकर का काम तो करती करती है। ओवरऑल क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, वर्थ टू बाय है, कस्टम मेरी कोई लगी नहीं है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आखिरी में आते हैं कि मैं इसमें क्या गिव अवे अनाउंस कर रहा हूँ। तो आज है हमारे पास ओराइमो शार्क के ब्लूटूथ ईयरफोन, जो मैग्नेटिक ईयरफोन था, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कुछ दिन पहले कर चुका हूँ, इसका मैं गिव अवे कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गिव अवे का सीधा सा फंडा है, आप नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और सारे जो उसमें मेथड्स दे रखे हैं उसको अनलॉक करके अपने चांसेस बढ़ाइए गिव अवे का। गिव अवे का अनाउंस मैं कुछ दिन बाद करूंगा फेसबुक और ट्विटर पे, तो आप हमें वहाँ फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा, और अपडेट नहीं मिलेगा तो मेरे से मत पूछिएगा कि कौन जीता, कब जीता और कैसे ये मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगा। हमारे से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी या।